शामिल करते हैं भावलपुर से MDHRJ न्यूज़ दिलशाद हुसैन जावा की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन जागो तहरीक गोट शाह मोहम्मद खालिद सहू वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्का NA 164 अहम गुफ्तगू कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने गर्डेजी ग्रुप बाजवा ग्रुप बुखारी ग्रुप को क्या पैगाम दिया, मेरा ये अमन का पैगाम कहीं मेरी कमजोरी ना समझा जाए। गालियां देती रही, बुराए साहब को गुजराती बाबा कहती रही, बुराए साहब को बारे में नसीबा अल्फाज अदा किए गए, वो अब जो चापलूस बनने की कोशिश कर रहे हैं। और सफदर दीदी जिस तरह से हमारे लीडरशिप पर इल्जाम लगा रहे हैं, सफदर दीदी को याद होना चाहिए कि आप 13,000 और 2 घंटे पे काम करते हैं, ऐसे इल्जाम लगाते हैं आपको शर्म आनी चाहिए। और अभी तो मैंने आज ब्रेक लिया था, 10 दिन है रमजान के हवाले से, तो मैं आपको कोई बात नहीं करूंगा, आप लोग को छुट्टी है, 10 दिन आप लोग इंजॉय करें। तमाम लोग जो मेरे मुखालिफ हैं सियासी तौर पे, 10 दिन के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। और मैं तो उम्मीद यही करूंगा जैन बुखारी साहब से भी, खलील बाजा साहब के साथ तो हमारी माशाल्लाह बुराए साहब का बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, कि अगर हम सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं फिर आपस में लड़ाइयाँ क्यों, एक दूसरे के लीडरशिप के खिलाफ नजेबा कलमात, एक दूसरे को नीचा दिखाना। हमने अगर खान साहब के विजन को आगे लेकर चलना है ना, तो फिर हम सबको एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि आज मुहर्रम अल हराम की जो पहली तारीख है और आज पहला दिन था, तो हमने इस जज्बे को देखते हुए तमाम एज अ मुसलमान भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भी, हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम एक लीडर्स के लिए काम कर रहे हो तो हमें एक साथ खड़ा होना चाहिए, ताकि मुखालिफ जो हमारे ग्रुप है जैसे पीरजादा ग्रुप है, इनको जो तरदा ग्रुप है, हमें अगर हम सब एक साथ ना हुआ तो इस दफा भी हम इस मार्जिन के साथ जहाँ तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करने जा रही है वहां हमारे लड़की की पोजिशन लूज है। तो मैं तमाम लोगों के साथ मिलकर चलने को तैयार हूँ, आप लोग मुझे कहते हैं कि मैं जाता हूँ, लेकिन नहीं, मैं इस वक्त अपने खान साहब के लिए और अपने विजन के लिए, अपने कप्तान के लिए फिर भी आप लोगों के साथ चलने को तैयार हूँ। अगर आप लोग तैयार हैं तो, अगर आप अपने जाती नाम है हमारी लीडरशिप पर तरकीब करना चाहते हैं तो फिर पता है कि मैं आप लोगों को किस तरह चुप करवाता हूँ। मुझे उम्मीद है मैं तमाम तर मोहसिन अकील हो, जितनी भी हमारी पार्टी हो, ईशा गुबारी हूँ, मैडम नसीम खान साहिबा हो, शैला एहसान साहिबा हो, जो भी हमारे रोकाश अली खान साहब, हमारे सीनियर बड़ा साहब है, जैन साहब है, बाजवा साहब है, तहसीन साहब है, जो भी है, कल आप लोग बैठे आपस में सुलह करें, हम हमारी टीम में सुलह कर लेंगे, इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत यकीनी बन जाएगी। आए हम सब मिलकर अहद करें कि हमने कप्तान के उम्मीदवार को जीतना है, टिकट जिसको मिलेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद।